गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक चैप्टर वन का। चैप्टर वन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आई रिक्वेस्ट टू यू, ईच एंड एवरी टॉपिक आप बहुत अच्छे क्लियर मैनर में करोगे। एटलीस्ट वन और टू टाइप आप वीडियो को देखिए, फिर सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये न्यूमेरिकल मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में दिया था आपको, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट ए बी सी पे। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये फिट करो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद करो जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर टू के लेमडा अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिंस यू आर हैविंग द टू प्लेट्स हियर, तो आपका माइंड काम कर रहा होगा कि मुझे फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। दूसरी चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। तो ये आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इवन, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बेटे ध्यान रखना, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको वीडियो लेक्चर में करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करोगे। पॉइंट बी पे देखो, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए देखो इनवर्ड, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों को ऐड कर दिया। सी पॉइंट पे देखो आप, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, वापस कितना हो गया, जीरो। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल डिपेंडिंग ऑन दैम। नाउ आई विल कंटिन्यू विद द लास्ट एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ये हमारे पास में एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसका ये सेंटर ओ है, ये रेडियस कैपिटल आर है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, और सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये एरिया किसका है, जो भी आपकी स्फेरिकल शेल है, 4π R2। अब क्या करना है बेटा, आप हमको तीन पॉइंट कंसिडर करना है, एक पॉइंट बाहर होगा, एक पॉइंट सरफेस पे होगा, एक पॉइंट अंदर होगा। तो पहला जो डेरिवेशन है, देखिए कि व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया, और दिख रहा होगा डायग्राम में स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, आपको ये डायरेक्शन मिलने वाली है। और ये बेसिकली जो मैंने स्फेरिकल जो सरफेस बनाई है ऑफ द रेडियस आर, ये आपकी गॉसियन सरफेस है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक। अप्लाई गॉस लॉ, फाई ई क्या जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। नाउ देखिए बेटा, ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए किसका, जो भी आपने न्यू गॉसियन सरफेस बनाई है, 4π r2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे ले गया तो फाइनली फॉर्मूला क्या रहा है, स्मॉल क्यू अपॉन 4π r2 नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आप क्यू की वैल्यू पुट करते हो, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, अब याद होगा आपको, क्यू की वैल्यू थी बेटा सिग्मा इंटू 4π R2, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, 4π से 4π कैंसिल किया गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आर स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेन पॉइंट पी लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, मतलब आपको स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करना है, तो फाइनली डेरिवेशन आ जाएगा क्यू अपॉन 4π ε नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। अब पॉइंट पी है बेटा बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ, क्या आपको अंदर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, और जब कोई चार्ज अंदर होगा ही नहीं तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो में आप किसका डिवाइड लगा लो, क्या हो जाएगा वो, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो, क्लियर। तो ये गाउस के तीनों एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। नाउ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये आपकी थिन स्फेरिकल शेल है जिसके रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, यह है कैपिटल आर। नाउ बेटा ये सेंटर है, आपको पता है इनसाइड द कंडक्टिंग शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। फिर जैसे सरफेस पे पहुंच जाओगे ये वाला फैक्टर आ जाएगा, और जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये वाला फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये वाला फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज। आर यू गेटिंग इट, दिस इज़ द ग्राफ हियर। नाउ एक न्यूमेरिकल है हमारे पास में, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, तो मतलब कैपिटल आर गिवन है, गिवन डेटा, चार्ज
ठीक है। अब आपको पहले तो निकालना है इनसाइड, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द स्फेयर मतलब उसके सरफेस पे निकालना है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आर पता है। फिर निकालना है एट ए डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, आपको पता है 18 इज़ मोर देन 12, तो आपके पास में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, दिस इज़ द केस फॉर इनसाइड, ठीक है। और ये आपके पास में सरफेस वाला कॉन्सेप्ट, और 18 इज़ मोर देन 12, तो पता लग गया होगा बाहर वाला केस है। ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, स्मॉलर एरिया, डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर, इज इट क्लियर? दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ योर बुक, पढ़ते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में सब कुछ छिपा हुआ है। एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम, एटम कंसिडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस, या आपके पास में न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ तक बोला है इसने, और रेडियस है उसकी कैपिटल आर। एटम बेसिकली बेटा कैसा है, न्यूट्रल है, तो इतना पता है मुझे एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज के, इज दैट क्लियर? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल है, टोटल नेगेटिव चार्ज के, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है जेड ई, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा माइनस जेड ई, इज इट क्लियर? नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो देखो मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस जेड ई अपॉन 4/3 πr³। टॉपिक 1.13 आप रिवाइज कर सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और क्यू इज इक्वल टू रो वी, इज इट क्लियर? नाउ पहला पॉइंट है स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो देखो डायग्राम बना रखा है बेटा मैंने, ये एटम है और ये एटम के बाहर, अगर बाहर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है, इस पूरी सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है, जीरो, टोटल पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव, तो इसका फैक्टर कितना आ गया, जीरो, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो, और इसका डिवाइड लगाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि एटम इज़ न्यूट्रल। तो अगर बाहर से कोई भी सरफेस लोगे, जैसे मान के चलो बेटा आपका रूम है ना वो एटम है, और अगर आप कोई सरफेस बना रहे हो आपके रूम के बाहर, तो रूम से टोटल चार्ज कितना आ रहा है, जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या है आपके पास में, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर? दिस पार्ट इज सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हमें अंदर निकालना है, तो एक काम करो, कभी आपने काजू कतली खाई है, ठीक है बेटा, इस पूरी प्लेट के अंदर काजू कतली रखी हुई है ना, अब मैं अपने हाथ को ऐसे रखूँगा तो काजू की कतली का जो अमाउंट है वो कम आएगा ज़्यादा आएगा, दिमाग लगाओ, कम ही आएगा, क्लियर? तो ये पूरी प्लेट है जहाँ काजू कतली रखी हुई है, और ये वो नया स्फेयर बनाया है मैंने जहाँ पे आपका हाथ गया है, तो जो भी चार्ज आएगा वो कम आने वाला है, ये बीच में है ना गुलाब जामुन रखा हुआ है, तो टोटल मिठाई कितनी आई, गुलाब जामुन प्लस काजू कतली, ये करोगे ना आप, तो देखो चार्ज कितना एनक्लोज हुआ, पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या है गुलाब जामुन, और नेगेटिव चार्ज क्या है काजू की कतली, तो पॉजिटिव चार्ज तो कितना आ गया जेड ई। अब नेगेटिव चार्ज, चार्ज निकालने का फॉर्मूला और बहुत अच्छे से करना है अपन को, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्लियर? तो चार्ज क्या आ जाएगा बेटा रो इंटू वी, ठीक है, देखो रो एज इट इज़, और ये रहा वॉल्यूम, रो की वैल्यू मैंने पुट कर दी फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, वॉल्यूम कौन सा जो नया स्फेयर आपने बनाया 4/3 πa² (r³), 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और प्लस माइनस क्या बन गया माइनस जेड ई माइनस जेड ई (r³)/R³, बड़ा जेड ई क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। अप्लाई गाउस लॉ, फाई ई क्या होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4π r², ये 4π r कौन सा जो नई सर्फेस आपने बनाई है, क्यू एनक्लोज की वैल्यू पुट कर दी नीचे एप्सिलॉन नॉट, इसका डिवाइड लगा दिया, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम। एक बात और है बेटा, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ये बिल्कुल भूल जाना आप, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे डबल मेहनत आपको करनी है। और एक बात और है बेटा कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से बहुत बेटर है कि अपने कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर करो कि आपके न्यूमेरिकल्स का फंडामेंटल वहीं क्लियर हो जाए, क्लियर? थैंक यू, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 1, मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आई विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर, थैंक यू बेटा।